फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे बार्थोलिन सिस्ट के बारे में। बार्थोलिन सिस्ट जो है वो बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर बनती है। ये ग्लैंड फीमेल बॉडी में दो होती हैं। ये वजाइनल आउटलेट पर या वजाइना के जो आउटर पार्ट है उस पर प्रेजेंट होती है। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है बार्थोलिन ग्लैंड की वो होती है 4 o'clock और 8 o'clock। बार्थोलिन ग्लैंड का मेन काम होता है वजाइना और पेरिनियम का ल्यूब्रिकेशन करना, मतलब उसको मॉइस्ट रखना। बार्थोलिन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं वो एक बहुत ही छोटी डक्ट, जिसे हम बार्थोलिन डक्ट बोलते हैं, इसके थ्रू सतह तक पहुंचते हैं। अगर इस डक्ट के अंदर कहीं भी कोई रुकावट आ जाए या कोई ब्लॉकेज आ जाए तो इस ग्लैंड के सिक्रीशंस जो हैं वो वहीं इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक सिस्ट का रूप धर लेते हैं, जिसे हम बार्थोलिन सिस्ट बोलते हैं। और बार्थोलिन सिस्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे बार्थोलिन एब्सेस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। बार्थोलिन सिस्ट के जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे कॉमन आता है स्वेलिंग फील होना। पेशेंट को एक स्वेलिंग फील होती है, इस स्वेलिंग की वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है चलने में, बैठने में या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने में। जब ये बार्थोलिन एब्सेस बन जाती है तो पेशेंट को स्वेलिंग के साथ साथ पेन भी स्टार्ट हो जाता है, बस डिस्चार्ज हो सकता है और पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। जो इसका डायग्नोसिस है वो मोस्टली क्लिनिकल होता है। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, जब हम उसे एग्जामिन करते हैं, तो इसकी पर्टिकुलर जो लोकेशन है कि ये वजाइनल आउटलेट पर प्रेजेंट होगी, 4 o'clock और 8 o'clock पोजीशन पर हमें दिख जाती है और टिपिकल स्वेलिंग होती है, तो क्लिनिकली हम इसे डायग्नोस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बार्थोलिन सिस्ट के ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम उन पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं जिसमें सिस्ट का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, 1 to 2 centimeter, और माइनर सिम्टम्स होते हैं। इसमें हम पेशेंट्स को मिनिमल एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिंस देते हैं और साथ ही पेशेंट को हॉट सीट्स बाथ, मतलब गर्म सेक, एडवाइस करते हैं। हॉट सीट्स बाथ से पेशेंट को ये बेनिफिट होता है कि अगर कोई माइनर ब्लॉक होता है डक्ट में तो वो रिलीव हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं आता है तो फिर हम पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। सर्जरी के अंदर हमारे पास में तीन ऑप्शन होते हैं। पहला IND, जिसे हम इंसिजन एंड ड्रेनेज बोलते हैं। सेकेंड IND विद मार्सुपलाइजेशन, और थर्ड होता है बार्थोलिन ग्लैंड एक्सीजन। सबसे पहले हम बात करेंगे IND के बारे में। IND में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जो पेशेंट का बार्थोलिन सिस्ट या एब्सेस है उसके उसमें हम एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं, उसका जो कलेक्शन है उसको ड्रेन आउट करते हैं, सिस्ट वॉल को हम रिमूव करते हैं और वुंड को क्लोज कर देते हैं, मतलब सूचर लगा देते हैं। 80% पेशेंट्स जो हैं उनको सिंपल IND विद सिस्ट वॉल रिमूवल से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास में होता है IND विद मार्सुपलाइजेशन। इसमें हम पेशेंट को वही जनरल एनेस्थीसिया के अंदर एक स्मॉल इंसिजन लगाते हैं, जो भी कलेक्शन होता है उसको ड्रेन करते हैं और सिस्ट वॉल को कम्प्लीटली निकाल के रिमूव करने की बजाय हम जो सिस्ट है उसकी सिस्ट वॉल को स्किन के साथ में सूचर कर देते हैं और एक पाउच जैसा बना देते हैं, जैसे कंगारू पाउच होता है उस तरीके से। इससे ये फ़ायदा होता है कि बार्थोलिन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं उनको निकलने का एक रास्ता मिल जाता है और रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट या एब्सेस होने के चांसेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो मार्सुपलाइजेशन जो है इसके भी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास में आता है बार्थोलिन ग्लैंड एक्सीजन। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिसमें कि इवन IND विद मार्सुपलाइजेशन के बाद भी पेशेंट को बार्थोलिन सिस्ट या एब्सेस का रिकरेंस हो जाए, तो हमारे पास में लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि हम बार्थोलिन ग्लैंड को ही रिमूव कर दें। इसमें जो है पेशेंट को 1 to 2 days जो है हॉस्पिटल में स्टे की ज़रूरत पड़ती है। बार्थोलिन सिस्ट के जो भी सर्जरीज हैं उसके कुछ पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस या एडवाइसेज हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक तो पेशेंट को 2 to 4 ड्रेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए पेशेंट को हमारे पास आना पड़ता है। 2 to 4 weeks जो होता है इसका हीलिंग टाइम होता है, तो इसका हमें स्पेशली हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। सेक्सुअल एक्टिविटी भी जो है वो 3 to 4 weeks तक हमें अवॉइड करनी पड़ती है। और आपके केस में कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करने के बाद ही बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।